इसमें हम तीन तरह की लकड़ियां बना सकते हैं, गोल, चकोर और हवन की लकड़ी। अच्छा, एक तो हम गोल लकड़ी बना सकते हैं, मशीन से, और चकोर बना सकते हैं, और हवन की लकड़ी बना सकते हैं। इसमें हवन के लिए भी बना सकते हैं, हवन के लिए भी बना सकते हैं, आम की लकड़ियों का रिप्लेसमेंट। क्या बात है, मतलब आप तो बिल्कुल ही लकड़ियों को हर जगह से रिप्लेस कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गई एक गोबर की लकड़ी बनाने वाली। और मतलब लकड़ी बनाने के लिए हमें सुखाना भी पड़ेगा इसको, पता क्या करते हैं हम इसको बताते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। इसमें 5 HP की मोटर है, दोनों मतलब दोनों मोटरें मिलेंगी, 3 फेज भी मिलेगी, सिंगल फेज भी। जिसके पास घर का कनेक्शन है घर वाला कनेक्शन भी चलेगा, जिसके पास अपना डोमेस्टिक पर्पज का कनेक्शन है वो भी चलेगा, ठीक है। और ये गांव में भी चल सकती है, किसी भी गौशाला में भी चल सकती है। और इसमें एक और चीज है, इसकी 1 घंटे में प्रोडक्शन 300 किलो है। 300 किलो एक घंटे में? हाँ जी, मतलब आप अच्छा प्रोडक्शन यूनिट है इसका। बिल्कुल, 2.5 फुट लंबी, 3 इंच चौड़ी, 1 इंच का होल बीच में ये लकड़ी बनेगी। अच्छा। और कम से कम 1 किलो की एक लकड़ी रहेगी, 300 लकड़ियां 1 घंटे में बनेगी। ठीक है, तो एक बार इसे हम चला के दिखा देते हैं। ये देखो, पहले क्या होता है, ये देखो हमारी, ये इसमें 3 लेबर लगती है, एक आदमी गोबर डालता है, 2 आदमी लकड़ियाँ निकालते हैं। और इसमें ये आप देख पा रहे हो, ये जो ये ट्रे है मेरी, ये 2.5 फुट लंबी है, और इसमें ऊपर मिक्सर भी लगा हुआ है। मिक्सर की जो प्रक्रिया है ये इसलिए है क्योंकि हमने इसमें एक लेबर कम कर दिया है, क्योंकि पहले इसमें ऊपर से डंडा मारना पड़ता था, अब इसमें डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने ऊपर मिक्सर लगा दिया है, एक लेबर बच गई है। ये अपने आप गोबर को ऑटोमेटिकली लेके जाएगी और लकड़ी की फॉर्म में बाहर निकाल देगी, जैसे डाई लगाओगे वैसे डाई निकल जाएगी। ये देखो, ये गोबर की लकड़ी है, उसके बाद सुखाएंगे इसको, राइट? इसको 2 से 2.5 दिन सुखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, गीला ही गोबर डालना है इसमें, हम डालते हैं 4 से 5 दिन पुराना गोबर, हल्की लकड़ी वाला। जितना 3 से 4 दिन पुराना होगा उतना आपका जल्दी लकड़ी सूखेगी, अगर आप ताज़ा डाल दोगे तो उसको सूखने में 10 दिन लग जाएंगे बनाने के बाद। तो हम इसलिए लोगों को प्रेफर करते हैं 4 से 5 दिन पुराना गोबर डालना, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो। ज़्यादातर लोग इसको गाय के गोबर को ही इस्तेमाल करते हैं लकड़ी के टूटे लिए, क्योंकि भैंस का गोबर ढीला होता है, गाय का गोबर टाइट होता है। तो अब ये मशीन तो हमने देख ली, एक बार बंद करवा दी सर। ये देखो, इतना बढ़िया तरीके से निकल के आ रहा है, तो कितने सुखाना होता है सर? 2 से 2.5 दिन। 2 से 2.5 दिन से आपको सुखाना है, उसके बाद ये बंद कर दीजिए। और एक बार इसे